मुसलमान से पूछो थारो धर्म के का है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो फिर जो मन मा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करने करो। मैंने बयान अभी देखा नहीं, इसलिए उस पर कोई प्रतिक्रिया करने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती। देखिए, स्वामी रामदेव जी ने कोई गलत बयान नहीं दिया, उन्होंने जो कहा यथार्थ कहा, सही कहा। बाबा रामदेव साहब का ताल्लुक है तो उनको ये खुद तय करना है कि वो एक धर्मगुरु हैं, वो एक संत हैं, एक व्यापारी हैं या एक राजनेता है। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखा, नमाज पढ़ो जो मन माए वो करो। कभी एक भी मौलाना नहीं आएगा कहने कि जी ये गलत कर रहे हैं, कभी एक भी मुस्लिम संस्थान नहीं करता, तो क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि जितना हिंदुओं का उत्पीड़न करो वही धर्म बना लिया इन्होंने। देखिए, हमारे मुल्क में एक फैशन चला है कि धर्म संसद के नाम पर अधर्म की बातें फैलाई जाए और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों और इस्लाम पर छींटाकशी की जाए। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म के का है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो फिर जो मन मा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करने करो, वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा, बस नमाज पढ़ो बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखा, नमाज पढ़ो जो मन माए वो करो। हमारे मुल्क में एक फैशन चला है कि धर्म संसद के नाम पर अधर्म की बातें फैलाई जाए और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों और इस्लाम पर छींटाकशी की जाए। यकीनी तौर पर धार्मिक लोगों का और धर्म संसद का कतई तौर पर यह मकसद नहीं होता है कि ये किसी के भी मजहब के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी की जाए। अगर आपके पास अपने मजहब की कुछ अच्छी बातें हैं तो आप वो लोगों तक पहुंचाने का काम करें, बेजा और बिला ज़रूरत दूसरे मजहब पर और ख़ास तौर पर मुसलमानों पर जो टिप्पणियाँ की जा रही हैं और बार बार जो छींटाकशी की जा रही है, ये कतई तौर पर किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। जहाँ तक बाबा रामदेव साहब का ताल्लुक है तो उनको ये खुद तय करना है कि वो एक धर्मगुरु हैं, वो एक संत हैं, एक व्यापारी हैं या एक राजनेता है, क्योंकि जिस तरीके की ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीनी तौर पर वो किसी धार्मिक शख्स की या संत और साधु समाज से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स की ज़बान नहीं हो सकती, ये यकीनी तौर पर किसी राजनेता ही की ज़बान हो सकती है। और धर्म संसद का अगर यही मकसद है कि वो मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ छींटाकशी की जाए, तो यकीनी तौर पर ऐसे धर्म संसदों पर पाबंदी लगनी चाहिए जहाँ पर सिर्फ नफ़रत की बात की जा रही हो। अगर वाकई में आपको काम करना है तो मोहब्बत के पैगाम को आम करें, नफ़रत के खात्मे के लिए धर्म संसद को आयोजित करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। स्वामी रामदेव जी ने कोई गलत बयान नहीं दिया, उन्होंने जो कहा यथार्थ कहा सही कहा। आप जरा देखिए कि किस प्रकार से लव जिहाद मुस्लिम युवक करते हैं, हिंदू बेटी बहनों को बर्बाद किया, लाखों बहनों को, और आप देखिए कि इतनी मुस्लिम संस्थानें हैं, एक भी कभी इनके खिलाफ फतवा जारी नहीं किया। कन्हैया कुमार को सरेआम हत्या कर दिया जिहादियों ने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के, लेकिन उस पर कभी कोई फतवा जारी नहीं हुआ इस्लामिक संस्थान होते, तो इसका मतलब सीधा है। आप देखो ना, धीरेन्द्र शास्त्री जी पर प्रश्न उठा, जितने हिंदू जादूगर थे आके दिखाने लगे, ट्रिक है वो है 20 बातें करने लगे, और लेकिन क्या कोई मुस्लिम संस्थानें कभी ये बोलती है कि जी ये जिहाद जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कभी बेटी बहनों को वो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? कभी एक भी मौलाना नहीं आएगा कहने कि जी ये गलत कर रहे हैं, कभी एक भी मुस्लिम संस्थान नहीं करता, तो क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि जितना हिंदुओं का उत्पीड़न करो वही धर्म बना लिया इन्होंने। मैंने बयान अभी देखा नहीं, इसलिए उस पर कोई प्रतिक्रिया करने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती। इसलिए इस समय आज की तिथि में हम सब लोग सीधे तौर से जो भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद के इस चुनाव में शानदार सफलता अर्जित की है, इसके लिए मैं एक बार फिर से जो मतदान करने वाले हैं उनके प्रति और जिन कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है उनके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं।